आज का जो परफॉर्म था, मतलब मैंने तो अपना 100% दिया था, बट यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बॉडी कंडीशन मतलब उतना गुड नहीं था, बीच में हमारा ट्रेनिंग भी मिस हो गया, तो मेरा बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। कभी मैंने कॉम्पिटिशन किया था भुवनेश्वर रांची में, उससे पहले मैं किर्गिस्तान कॉम्पिटिशन में था, सॉरी किर्गिस्तान कैंप में था, उधर से तो उधर काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर था, उधर से मैंने कॉम्पिटिशन किया भुवनेश्वर में, वेरी मतलब बहुत गर्मी था वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी 100% लगाया, तो बॉडी का जो था ना वहाँ से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चलने लगा, मतलब हीट करने लगी मेरी बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग बीच में कुछ ट्रेनिंग भी मेरी मिस हुई है, रिकवरी नहीं होना है सारा कुछ, इस करके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो किया तो मेरे को लगा कि मैं और अच्छा कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी सेम मेरी बॉडी हीट कर गई, तो सेम तो उतना अच्छा मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। आज का मतलब आपका भुवनेश्वर लास्ट था, भुवनेश्वर में जो आज का भुवनेश्वर गर्मी का मतलब भुवनेश्वर में, हाँ भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, उसके अकॉर्डिंग आज कम था यहाँ पर, और भुवनेश्वर में उस 31 टेम्परेचर था, आज शायद 28-29 टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी उस 74 अप्रोक्स थी भुवनेश्वर में, आज लगभग 64 या 60 थी, तो भुवनेश्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पर का वेदर ठीक था, मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग, लेकिन ह्यूमिडिटी है, हमको जो क्लाइमेट चाहिए वो एक अच्छी रेस लगाने का वो चीज़ नहीं थी, और मेरा थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा अच्छे से इधर सेट नहीं हो पाया था, तो इस करके मैं इतना अच्छा टाइम नहीं दे पाया यहाँ पर। क्या माइंड सेट ये नहीं था कि दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा ट्रेनिंग मिस हुआ है, अभी पता नहीं इधर क्या रहेगा, मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी थी जो हमको एक अच्छे एथलीट को ये सारी चीज़ें निगलेक्ट करनी चाहिए, बट वहाँ पर थोड़ा सा मैं रह गया। आपने ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है, तो अभी ओलंपिक के लिए कौन सा टाइमिंग देख रहे हैं आप? मतलब ओलंपिक के लिए मैं 119 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, एक 19 डाउन एक 19 का मुझे करना ही करना है, कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक क्वालिफाई मैंने 120.05 करके एशियन चैंपियनशिप नॉमिनी जापान में किया था, और अभी टारगेट यही है कि अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करूँगा, वहाँ अपना टारगेट लेकर चल रहा हूँ 120 का, कि मैं वहाँ पर यहाँ पर जो मेरी गलतियाँ हुई हैं, जो कमियाँ हुई हैं, यहाँ पर जो मेरे टाइम नहीं लग पाया है, तो वो मैं वहाँ जाके अपना अच्छा करूँ। आपके नेक्स्ट कौन सा टारगेट रहेगा, क्या कंपटीशन रहेंगे, कौन सा? अभी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है हंगरी में, उसके लिए क्या टारगेट है? टारगेट हमारा 120 है, कि मेरे को 120 वहाँ पर टाइम लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं दे पाया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अपने आप को रिकवर करूँ और वापस उसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँ, उसी टाइमिंग पर लेके आऊँ जो एक बार मैं दे चुका हूँ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, लास्ट क्वेश्चन, के कैसे आपने 20 किलोमीटर वॉक में आना सोचा, कि कब स्टार्ट किया, कौन कोच थे पहले? फर्स्ट कोच बोले मेरा स्टार्ट एक मेरे फ्रेंड से हुआ था, तो कैसे फ्रेंड था हमारा, मैं एक शॉप पे काम करता था, मतलब वो शॉप भी मेरे मामा की हुआ करती थी, तो वो हमारा रहने का खाने का वही करते थे, उनकी एक शॉप थी तो बैठ जाया करते थे, वहाँ पर एक मेरा फ्रेंड आया करता था महेंद्र करके, वो मेरा देखता था कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, और मेरे को भी ये था कि मुझे भी वहाँ से निकलना है, क्योंकि हमारी पढ़ाई वढ़ाई इतना स्ट्रॉन्ग होती नहीं थी, मेरे को यही था कि कुछ ऐसा काम मिले यहाँ से निकलने का, ये दुकान भी हमारे लिए मतलब परमानेंट एक नहीं है, और स्टडी भी हमारा इतना अच्छा नहीं था, तो फिर वो गेम में था, वो स्टेट में मेडल नेशनल मेडल लेके आता था, तो मेरी भी रुचि बढ़ने लगी, फिर ऐसे करके मैंने उससे बात करना शुरू हुआ, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ा, और फिर उसके बारे में जानना शुरू किया, फिर इस करके फिर मैं भी स्पोर्ट्स में आ गया। 2023 में मैं 20 अप्रैल को पटेले फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए मैं गया था। पहले ट्रेनिंग दी जब 20 किलोमीटर का कंप्लीट किया, तो तब क्या लगा कि छोड़ दूँ, ऐसे ऐसा कुछ दिमाग में आया? हाँ, फर्स्ट टाइम ये कॉम्पिटिशन था, फर्स्ट टाइम मेरा इंटर कॉलेज था बीकानेरी झारखंड, हाँ बीकानेरी में, तो वहाँ पर यह था कि अभी कंप्लीट मेरी हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा अभी मेरी कंप्लीट हो जाए तो मैं दोबारा 20 किलोमीटर नहीं करूँगा, आज का करवा था जब मेरा मतलब उसमें फर्स्ट कॉम्पिटिशन था। एक बार मेरे बीच में एक बार और ऐसा आया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, हाँ एक बार और आया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ पर भी मेरे मन में आया हुआ था 2015 में कि एक बार आज कंप्लीट कर दे फिर नहीं करना, फिर यही सीजन एक बार और आया मेरे को रांची 35 किलोमीटर में, मैंने 35 किलोमीटर किया था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, फर्स्ट 35 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट नेशनल मीट 35 किलोमीटर में हुई थी, तो वहाँ 35 था तो 32 हो गया था, 32 होने के बाद में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि मेरे से पैदल भी चला नहीं जा रहा था, यह था कि बस आज पूरी करवा देना, हाँ मैं प्रार्थना करा था कि बस आज पूरी हो जाए जैसे भी हो ना, फिर वहाँ पर तो यही था कि आज पूरी करवा दे, बस वो मैंने अपना
उधर से कंप्लीट किया वैसे। घर वाले क्या करते हैं आपके? मेरे मम्मी हाउस वाइफ है, डैडी की एक शॉप है, घर है हमारा, उस घर के नीचे ही दुकान खोल रखी है किराने की, मतलब जिसमें मतलब चिप्स पापड़ वगैरह वैसे रहते हैं। तो जब पहली बार कंप्लीट किया, जब अपने घर वालों को पता है कि घर वालों को तो पता होगा क्या होगा 20 किलोमीटर, तो क्या है? यस, घर वालों को भी तो काफ़ी बात पता चला कि मैं वॉक करता हूँ, उनको तो यही नहीं पता था वॉकिंग क्या है। स्पोर्ट्स पता था, यस, मेरा लड़का गया बाहर दौड़ने गया है, खेलने गया है, मतलब कुछ करने गया है, घर से बाहर तो कुछ करेगा, बट उनको नहीं पता था कि इंटरेस्टेड हुआ। तो एक इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट किया था मैंने 2015 में, तो उनको तब पता चला कि ये वॉकिंग करता है। 2 साल बाद पता चला था उनको कि मैं वॉकिंग करता हूँ, उनको पता ही नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में करता क्या हूँ। क्या बोला घर वालों ने? घर वालों ने बोला था कि मतलब उन्होंने सीधा एक नॉर्मली कैजुअली हमारी जो वॉकिंग है ना, किसी को बोलना रहता है ना, बोलेंगे क्या चल रहा है मतलब इस टाइप का, तो उन्होंने बोला था कि मटकना ये कौन सा इवेंट पकड़ा हुआ है इस टाइप का। हाँ, मेरे डैडी ने बोला था, मम्मा ने बोला था, लेकिन मम्मा जो भी रहती है, अगर मैं गलत भी करता हूँ ना कुछ भी रहता है, उसको सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा इवेंट है। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ दिया, भले उनके मन में कुछ भी रहे लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन डैडी ने बोला था, डैडी ने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि क्या मटकना है, चल रहा है, कौन सा गेम है। तो उनको भी एक होप, उम्मीद मेरे से कमी थी कि मैं वहाँ जाकर ये कुछ करना रहेगा, जो भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब शुरुआत उनके लिए तो हम निकल गए, मतलब कुछ करके लेकर आओ, लेकिन स्पोर्ट्स की जर्नी बहुत लंबी है, और नेशनल मेडल लेना या खेलना मतलब एक हमारे लिए फाइट है, मतलब जंग टाइप का पूरा। तो ये चीज़ घर वालों को नहीं पता था, तो उन्होंने समझा कि अब ये गया है तो आते ही इसको मेडल वेडल लाना चालू करा है सारा कुछ, लेकिन उनको ऐसा था, और वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वही है कि 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, उनको लगने लगा कि शायद मुश्किल है, नहीं करेगा इसको, वापस घर बुला लेते हैं, हाथ बटाएगा सारा कुछ आएगा। फिर उसके बाद में एक कॉम्पिटिशन हुआ 2015 रांची जूनियर नेशनल, वहाँ मेरा फर्स्ट गोल्ड था, वहाँ से उनकी थोड़ी उम्मीद लगी। फिर सेकेंड मेरा 16 में कॉम्पिटिशन हुआ, 16 में मैंने एक फर्स्ट डे रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, फर्स्ट डे 20 किलोमीटर किया, सेकेंड डे 10 किलोमीटर किया, उसमें मेरा गोल्ड था, वहाँ से मेरी जॉब लगी। फिर वहाँ से मेरा जॉब के बाद नेवी में, मैं अभी नेवी में जॉब करता हूँ, तो उसके बाद में फिर मेरा वहाँ से सब कुछ सही चलने लगा, घर वाले भी बोलने लगे हाँ अभी कुछ कर रहा है। पापा ने नेवी की जॉब के बाद बोल देगा आपसे? हाँ, अभी तो सारे लोग यही है कि अभी नेवी की जॉब मिल गई, मेडल भी आने लगे हैं, तो अभी घर वाले सारे खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।